कोई बात नहीं, आप 12:30 बजे 12:00 बजे मेंटेन करो। अरे मैम कोई दिक्कत नहीं, बच्चे ठीक है हो गए, अब क्या कर सकते हैं। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। कितने साल के हैं दोनों ये, इफ मैं आस्क? 5 and 3 आप ही के दोनों हैं? हाँ ठीक है, 5 and 3 अच्छा गैप रखा आपने। ये निपा निपी क्या समझेंगे, ये आपस में डिस्कस कर रहे हैं, ये क्या बात हुई। अभी आप हो जाने दो भाई साहब, जब सास प्रेशर बनाएगी ना रात दिन, नो रिजल्ट ऐसे कहता पता समझ में आएगा। मैम आपके तो काफी टाइम हो गया शादी को, आई कैन सेंस मैम आप दिख रहे हो आप कि आपकी शादी हुई होगी, आपके पति ऐसे पकड़ के बैठे हैं आपको, मैं सब मान गया गुड़गांव में ही हो सकता है किसी के साथ भी, पर स्टिल आई कैन जस्ट अज्यूमिंग। और दो बच्चे हैं आपके, कोई बात नहीं हम धीरे धीरे चलेंगे, पारिवारिक रहेगा, कोई बात नहीं। मेरे शो में कोई डबल मीनिंग गाली में वैसे भी नहीं देता मैम, इसके सेल निकाल दो ना। मैम डू ऑल्सो वर्क? टीचर? लेक्चर? वही वही हर औरत टीचर ही होती है, हर औरत जीवन में लेक्चर ही होती है। तो मेरा आपसे सवाल है, फैमिली सवाल है, व्हाट्सएप ग्रुप पे सुबह गुड मॉर्निंग टीचर लिखते हो, क्या लिखते हो आप लोग? सर आपकी जिंदगी कैसे चलती होगी? अब लिखते हो आप? मम्मी कहते हैं अब क्वेश्चन मत, तो अच्छा हाँ उठ गया। आपका घर कितने करोड़ गज में है? आपने कितने प्लॉट जोड़े हुए हैं? आपने ये जो गुरुराम के जयपुर तक जा रहा है वो आप ही का सारा प्लॉट, सारा आप ही का है क्या सारा? घर घर पूछ रहे हो अब करा डाउन, वाह वाह। हाँ और क्या रहता फिर? अप हो गया, बस अप हो गया। फिर सुबह क्या होता है? फिर सुबह क्या क्या रहता है? मैम आप तो लेक्चर हैं तो जाते होंगे, कॉलेज जाते होंगे। सर आप कंपनी? अच्छा कंपनी में काम करते हैं, तो आप जाते हो ऑफिस या घर से ही काम कर रहे हैं? वर्क फ्रॉम होम धोखा है। तुम लोग इतने घटिया लोग हो ना, वर्क फ्रॉम होम में उसकी जिंदगी बर्बाद है जो बेचारा मीटिंग कंडक्ट कर रहा है। इवन उसका मैनेजर खुद नहीं उसको देख रहा सुन रहा। तुम लोग इतने घटिया लोगों की मीटिंग ऑन हुई, झाड़ू घर की चालू, बर्तन मांज रहे बैठ के आराम से, वो बेचारा सब कह रहा है इज एवरीथिंग क्लियर टू यू गाइस, आप झाड़ू लगाते लगाते या। तुम या वाली ऑडियंस हो भाई जिंदगी में, या कर रहे हो उसके साथ में, आराम से ब्रेड में मक्खन लग रहा है, नहा धो के तैयार हो गए आदमी, वो लगे जा रहा है किसी के इज देयर एनी क्वेश्चन? नो। 15-20 मिनट के बाद उसकी आत्मा अंदर से मर जाती है इतनी कि वो खुद अपने आप में उसका बिलीव मर जाता है, खुद पूछता है एम आई ऑडिबल टू यू गाइस? उसके बाद आप दूसरे से जुड़ा मानते हुए या झूठ है सर ये फालतू का काम कर रहे हो आप। ये एक तो सर आपने चश्मा पहन रखा है, आपकी बेटी ने चश्मा पहन रखा है, ये बहुत सारे चश्मा पहनते हैं, मैं भी चश्मा पहना हुआ है। कब लगा था मैम चश्मा आपको? एट व्हाट एज? 12th? ओ मैन दिस गर्ल इज एसेंट। 16? ओके इट्स ओके, आई कैन टेल यू जैसे आपकी 12th खत्म हो आप सीरी के लिए इंटरव्यू भी दो। आवाज सुनिए आपने, लेफ्ट लेफ्ट राइट राइट राइट, ब्यूटीफुल मैम। ये होता है मीरो के बच्चे, देख रहा आवाज सुनो आप, ये कर अच्छा कर रहे हो मैम, अच्छा कर रहे हो आप, वही होता है भाई साहब। तुम कभी खेलते हो ना 15-20 प्लॉट तो चलाना पड़ता, तो बोलता मामा कोई बात क्या बोलते अपनी मम्मी पापा को? पापा मम्मी यही होती है, हम सिंपल लोग यार, देखो मॉम डैड मैम, मॉम डैड आई नीड लाइक कैश, पापा आई विल UPI बेटा, आर यू अप? अरे सर मैम ब्यूटीफुल है मैम, अच्छी बात है मैम, अच्छा लग रहा है जान के ऐसे परिवार भी होता है। हाँ हमने टीवी में देखा था ऐसा परिवार। एक तो मैं गुड़गांव में 3 टांगे देखने नहीं आया था, 3 हाफ पैंट पहन के आ गए, गर्मी बहुत है, मेरी थोड़ी गर्मी है भाई, ये क्या आप किसी तैयारी कर रहे हो? आर्मी की कर रहे हो, एनडी की तैयारी, किसी तैयारी कर रहे हो आप?
आप किसी में तो भाई आपकी जॉलाइन नहीं है, ऐसे तो नहीं बनाई आप। ये आपने आपने ये छोले भटूरे खा के तो नहीं बनाई। फुटबॉल वही कह रहा हूँ, कुछ तो स्पोर्ट्स में आप बोलो। ठीक है, वही बात। आप भी सर, आप कोच लग रहे हैं। कोच तो आपके आपके चेहरे पे जैसे गंभीरता आई हुई है। कोई बात नहीं, ठीक है। और आप पायलट प्लेन वाले इंडिगो? मैं इस वाले वाले सर, कौन सी एयरलाइंस? कैसा लग रहा है खुले में बैठ के आज? मैं लिख के दे रहा हूं, वो दिन दूर नहीं जिसमें इंडिगो में खड़े होकर जाएंगे पैसेंजर ऐसे ऐसे ऐसे। अरे यही तो तरना है आपको, क्या दिक्कत है, खड़े होकर जाओ ना। अल्ट्रा लो कॉस्ट एयरलाइंस क्या बनाया आपने यार ये यार। अच्छा अभी स्टार्ट ही किया आपने, और फुटबॉल भी खेलते हो आप, स्पोर्ट्स कोटा? बच्चा रिच किड्स को नहीं पता होता यार स्पोर्ट्स कोटा, आपको समझ नहीं आएगा ना। समझे, कोटा मतलब राजस्थान वाला पढ़ने वाला नहीं, जहाँ पर आई आई टी प्रिपरेशन करने जाते हैं वो नहीं। अब कहाँ कहाँ रह रहे हो? गुरुग्राम में? नोएडा में। नोएडा में एसेंट आ गया? नोएडा में लोग नहीं आ पा रहे? कहाँ कहाँ बेचता आपने इनको? ये एसेंट तो है आपका, एक टोन है आपका, आप हिंदी बोल पाते हैं? तुम बहुत ही बुरे लोग हो यार। बस आप एक बार बोल दो हमारे लिए, मैं तुमसे दुगना लगान वसूल करेगी। मैं शो ही छोड़ दूंगा यहाँ पे बात। आज आज बोल दो आप, ये बात खत्म करो यार। ये होता भाई प्रोफेसर के बच्चे, देख रहे हो इंग्लिश अलग ही बात कर रहे हैं, हिंदी भी ऐसे बोल रहे हैं, टूटी फूटी। बहुत ही बारिया, ओके, सस्ता नहीं सबसे बारिया है। भांगा सीमेंट। अच्छा करो आप, अच्छा करो, कोई बात नहीं। हाँ ब्रदर, आपका भी एसेंट है, आप क्या कर रहे हैं वैसे पढ़ाई में? बीटेक करी आपने? बीकॉम ऑनर्स। इसमें ऑनर्स वाली क्या बात है? किस तरह का कोर्स है भाई ये? कोई नहीं कर रहा, पता नहीं क्यों करा आपने। इसके बाद आपने फिर किस में जॉब कर रहे हो? जॉब मार्केट एजेंसी, लाइक एड्स बनाने वाला या मार्केट रिसर्च? डिजिटल मार्केट। तो घर में रहते हो फिर तो? बेसिकली पूरे दिन नहीं नहीं यार, ऑफिस है, प्रॉपर चलते। अच्छा नोएडा में? नहीं नहीं दिल्ली। सर आप लोग रहते कहाँ? आपके सारे प्लॉट कहाँ? बेटी नोएडा में रह रही है, लड़का दिल्ली में जॉब कर रहा है, आपका जयपुर तक प्लॉट है, बीच में जो थोड़ा सा जगह बनाया उसमें हमने 500 ठेके बनाए हैं, खुद सब रह रहे हैं। वाओ अमीर वो राजा। मैम आपके गले में कुछ ऐसी चेन वेन है जो कुछ जो अच्छा लगे फेंक के मारना मेरे ऊपर? मैं तो मुंडी मार दूंगा, ऐसे प्यास कर लूंगा, कोई दिक्कत। ओह माय गॉड, आप लोगों को इतना पैसा है, डू आर यू अवेयर ऑफ कि 10 का नोट भी आता है? ओह मैन रिच पीपल, ओह मैन। आपने मैम खाना चबाने के लिए भी बंदे रखे हुए हैं? ओह मैन अमीरी गरीबी पीपल, ओह मैन, ओह मैन। कोई बात नहीं, अच्छा करो तुम, ये जो भी कर रहे हो सबसे सस्ता नहीं बारिया। कोई बात नहीं। अरे मैं भाई, अब क्या टिटी हो कहाँ के टिकट काटने आए? वो कहाँ है वो पर्ची में छेद करने वाला मशीन, कहाँ है आपकी? बेटा टिकट। Have you seen bus? देखो था ना, एक आज एक बड़ी सी चीज होती है जिसमें 8-9 टायर्स होते हैं, होते हैं बस बस वो थैंक गॉड, जिसमें आपके पापा कहते बाय बाय बेटा। अब अमीर बच्चों को नहीं पता होता तुम लोग, दिस गाइस नहीं जेलस, थ्रो सम मनी ऑन देम, थ्रो थ्रो सम ऑन मी आल्सो। तुम बहुत बुरे लोग हैं, बता चलो सामान फटाफट बताओ। मैंने कौन सा रूट है आपका?
लगने लगो से जब टिकट काट के भी बस लास्ट बस में यही जाएगा, जैसे सारे पैसेंजर को यहीं से लेके चलेगा, चलो आ जाओ चलो भाई साहब दिल्ली दर्शन भाई क्या करते हैं पेशे से आप, मतलब टिकट काटने के अलावा आपकी ट्रिप लिखा टूरिज्म नहीं लिखा हुआ प्लीज प्लीज बता इफ जस्ट इनलाइटन अस की क्या करते हैं आप डिजिटल मार्केटिंग ओह माय गॉड पर वो वाली नहीं कर रहे होगे आप वो BMW की कर रहा है आप अल्टो की कर रहे होगे यू गाइज ना कोई बात नहीं अच्छे इंसान हो भाई आपकी जॉल एंड क्या कर रहे हो आप बहुत ही अच्छा मतलब अच्छा मेंटेन करो भाई ऐसे जॉल एंड मेरी तो अभी आई है बहुत पहले मैं तो पहले देख रहा हूँ जॉल एंड मैं तो ट्रिपल चिन हुआ करता था ट्रिपल चिन मेरा मैं तो मैकडी पे गया मैकडी ने बोला भैया बर्गर मैंने कहा एक्स्ट्रा चीज तो पूछो कह रहा आपको नहीं जरूरत थी मेरे को बोला वो आके भाई एक तो पता है जिस तरह की अब मेरी लुक हो गई है उसमें पता क्या डिसएडवांटेज है ये लड़कियां समझती हैं लड़कों को बहुत सूंघ लेती हैं इस शक्ति को ना अंडर एस्टिमेट किया हमने इन लड़कियों का ना इनको पता होता है वो लड़के नहीं दिखते आप मेट्रो में जाते हो आप एक लड़के को देखते हो जिसको आप देखते हो कि ये सीट दे ही देगा मेरी वाइफ भैया है पता है आपको वो जो लड़की नहीं तुम जो पार्टी के बाहर खड़े होते हो पार्टी एकदम से किसी लड़के को बोलती हो कि इफ यू डोंट माइंड हमारी सेल्फी खींच दोगे फोटो ग्रुप फोटो खींच दोगे मैं वो हूँ अब कल तो लड़की ने डोंट माइंड भी नहीं बोला कह रहा खींचो ये हालत हो गई है जिंदगी में हमारी कोई बात नहीं रोड पर लड़ाई होती है दो के बीच में लड़ाई होती है और अभी देखने में तो हमें सबको मजा आता है देखो आप समझ तो फील तो वही है मैं लड़ाई एंजॉय कर रहा हूँ एकदम से कह रहे भाई साहब आपने देखा मैंने कहा हाँ मैंने देखा तो आपने भी देखा ना भाई साहब मुझे अंपायर बना दिया मैं तो फटाफट कपड़ा निकाला आंखों में बांधा मैंने तराजू ले आया मैंने कहा बताओ बताओ अब मैं सॉल्व करूंगा बताओ इस मैं हूँ इंसाफ का तराजू भाई साहब बेटा तराजू तराजू पता आपको तराजू वी विल ट्राई टू हेल्प आउट ठीक है अगर आप कभी आप मार्केट से सामान लेने गए हो 1 kg 2 kg या ऐसा यूनिट में लेने जाते हो सामान आप कभी आप सामान लेने गए हो मार्केट में कहीं और कोई फ्रूट एंड वेजिटेबल्स ओके लाइक फ्रूट्स लीटर्स में आते हैं केजीज में आते हैं फ्रूट्स केजी में आते हैं लीटर्स में आते हैं फ्रूट्स वेल ब्यूटीफुल वाह वाओ इनको लगता था मैं आंसर नहीं दे पाओगी तुम हाँ तो जिस पे वो तौलते हैं तौलना ऐसे हाथ में उठा के नहीं वो वाओ गाइस ऐसे देखते देखते वो एंड कौन सा ज्यादा भारी होता तो नहीं लेते कौन सा ज्यादा वेट होता तो नहीं लेते या नहीं देते या लेते लेते देने के हो आप काम बेचने थोड़ी जा रहे हो आप बाकी मैडम जब भी आपका अच्छा लगे चेन फेंक रही हैं आप मैं ऐसे कैच मैं कर लूंगा मुझे कोई दिक्कत नहीं है एक तोला दो तोला पांच तोला कोई टेंशन नहीं है आपका क्या प्लॉट में क्या होगा आपकी बाउंड्री कम होगी थोड़ी सी बस क्या होगा ठीक है मैम अपने चूड़ा अच्छा आपकी शादी हुई है आपका बच्चा नहीं मुझे लगा आप चूड़ा पहन के एकदम बच्चा कैसे हो मैंने भाई आलिया भट्ट तो नहीं हो आप मैम क्या क्या नाम रखे आपने इन दोनों के मतलब जियांश हाँ अमायरा बहुत ही प्यारा नाम है बेटा बड़ा है ओके जियांश और इनका नाम अमायरा अमायरा का मतलब Oh my God. ये कितने BHK हैं आपके पास बेटा आपका नाम क्या राजमाता क्या मैं राजमाता जी मैं इंतजार कर रहा हूँ चेन कब फेंकेगी औरत मैं मेरा कोई मन ही नहीं है शौक से मैं कि कभी ऐसा मन में आ जाएगा तो आप सर देखो करना पड़ता है आप समझ धंधा है देखो सर सर आप भी आप अंगूठी फेंक सकते हो कोई दिक्कत नहीं मुझे मैं से पहन लूंगा नहीं है कि मैं अपना मैनेज कर लूंगा देखो फिर बात है बेटा ठीक है आप ओह माय गॉड बेटा आपका नाम क्या है देख रहो इतने फैन मिले आपको जिंदगी में कभी ये घर जाएंगे पागल हो जाएंगे कह रहे भाई अमीर लड़की देखी मैंने आज जिंदगी में ये पागल है भाई इनके सपनों में इनका सपना था यहाँ दिल्ली आके गुड़गांव आके अमीर लड़की देखी आज देखा इन्होंने देख रहे हो सपना सफल हो गया जीवन सफल हो गया बता आपको कोई दिक्कत नहीं अच्छा कर रहे हो ब्रदर आप क्या कर रहे हो खराब बच्चे में बच्चे लड़के ना
मतलब माँ बाप के सपनों पे हंसते ही हैं।